क्या दोस्तों, आपने कभी पानी में तल के इस तरह से रोटी बनाई है? नहीं ना, है ना एकदम न्यू रेसिपी। सच में दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। दोस्तों एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप भी। बनाना बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हूँ। इससे पहले कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आज की हमारी ये रेसिपी आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे दो कटोरी यहाँ पे मैदे ले ली हूँ, तो आप इसकी जगह पे आटे भी ले सकते हैं। तो इनको अभी मैं छान लेती हूँ क्योंकि अभी बारिश के मौसम है तो कीड़े वगैरह होने का चांस होता है। फिर यहाँ पे देखिए एक चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले ली है दोस्तों। आप बेकिंग सोडा है तो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इनमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हमने यहाँ पे चीनी भी डाली है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, ज़रूर से डालिएगा। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा ये नॉर्मल पानी है डालते हुए इनका इस तरह से आटा लगा लेंगे। ना हमें यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट करना है और ना ही ज़्यादा यहाँ पे हमें इनको हार्ड करना है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अभी हमारा ये आटा है, इनको अभी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी इस तरह से इनको ढाँक के इनको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन इनको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, तभी तो हमारे आटे हैं ना एकदम सॉफ्ट एकदम मुलायम बन के तैयार होंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे अभी अभी न्यू आए हैं, अगर हमारे न्यू वेबर हैं दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू रेसिपी डालूं तब आपके पास जो है ना सबसे पहले इनका नोटिफिकेशन पहुंचे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से है ना इनका डो काट लेंगे बराबर बराबर और इस तरह से फोल्ड करते हुए इनका बॉल्स बना लेंगे। अभी खुश्क मैदा लेंगे और एक एक बॉल्स उठाएंगे और इस तरह से इनको बेल लेंगे, जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें ना ज़्यादा मोटा करना है और ना ही ज़्यादा हमें यहाँ पे पतला करना है। मीडियम बेलेंगे और इसके ऊपर से है ना पानी लगाएंगे। फिर इनके ऊपर अच्छे लुकिंग के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे कसूरी मेथी इस तरह से छिड़क देती हूँ और थोड़ा सा कलौंजी जिसे हम लोग मंगरेला कहते हैं और हल्का सा बेलन चला देंगे ताकि हमारी रोटी के ऊपर है ना अच्छे से चिपक जाए। इसी तरह से सारी रोटी को बेलते जाएंगे और इनके ऊपर से है ना इस तरह से कसूरी मेथी या हरी धनिया भी इसकी जगह पे आप ले सकते हैं दोस्तों। और इसी तरह से है ना बेल के सारे को रख लेंगे। अभी यहाँ पे चूल्हे पे एक पेन लेंगे, जिसमें पेन गर्म होने के बाद पानी डालेंगे। पानी हमारा गर्म हो जाना चाहिए दोस्तों। और फिर यहाँ पे है ना रोटी डालेंगे। इसमें रोटी डालने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इनको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद है ना इनको इस तरह से इनको पकाएंगे, जैसे इनके पेन के अंदर का पानी सूख जाए फिर कवर को हटाएंगे। और फिर इनको अभी क्या करेंगे, इनके ऊपर बटर या घी इस तरह से लगाएंगे। आपके पास बटर या घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। बढ़िया तरीके से लगा देंगे इनके ऊपर, फिर दूसरी साइड इनको पलट देंगे। फिर पलटने के बाद भी इसके ऊपर है ना इस तरह से बटर या घी या तेल लगा देंगे। कम तेल बटर घी में ना फिर भी आपके रोटी है ना एकदम ऑयली देखेंगे दोस्तों, बहुत ही टेस्टी देखेंगे। और इस तरह से जब दोनों साइड से है ना सीख जाए तो रोटी को निकाल लेंगे दोस्तों। सेम प्रोसेस है, इसी तरह से सारे रोटी को हम अभी पानी के अंदर तल लेंगे। और फटाफट से लीजिए, हमारे सारे रोटी बनके तैयार है। लग रहा है ना देखने में बहुत ही प्यारा और टेस्टी। सच में दोस्तों ये टेस्टी है भी, खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम सॉफ्ट होता है। इसकी ख़ास बात तो ये है कि एकदम सॉफ्ट ये रोटी बनता है। आप किसी भी मेहमान के आगे में दे दोगे दोस्तों, यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इनको पानी में तल के इस रोटी को बनाई है। और आपके बच्चे को भी तो इतना पसंद आएंगे कि आपसे है ना बार बार है ना इस रोटी की डिमांड करेंगे। और बनाना तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रोटी है। एकदम रुई की तरह है ना ये सॉफ्ट होता है दोस्तों। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट ये रोटी बना है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए इस रोटी को एक बार, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हमारी रेसिपी को देख रहे हैं, अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं, प्लीज़ ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इनको कोई भी सब्ज़ी, चिकन, मटन या कोई भी चटनी के साथ आप इनको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। इनका स्वाद जो है ना और भी बढ़ जाता है।
तो मैं फिर मिलती हूँ कोई और रेसिपी के साथ इसी तरह से अच्छी चीनी रेसिपी के साथ। अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंडों में से शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।